हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। इंडिया में फ्लाइट को लेकर किन किन देशों ने बैन लगा दिया है और इसके पीछे की वजह क्या है, कब तक फ्लाइट फिर से बहाल होगा, आज इसी पे बात होगा। अगर आप सऊदी, कुवैत, कतर में रहते हैं या जाना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। हमारे देश में कोरोना वायरस काफी हद तक कम हो चुका है अभी फिलहाल। इसके बावजूद कई सारे देश हैं जो भारत में फ्लाइट आने जाने पे बैन लगा दिया है और अभी फिलहाल कहीं से भी इंडिया के लिए फ्लाइट खुलने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। सऊदी अरब, दुबई, फिलीपीन जैसे देश ने फिर से ट्रेवल बैन को बढ़ा दिया है। इसके पीछे की वजह कोविड-19 बताया जा रहा है। दोस्तों, आप सबको शायद पता होगा कोरोना वायरस के कई सारे वेरिएंट पैदा हो चुका है, इसी में से है एक डेल्टा वेरिएंट जिसकी वजह से कई देश भारत से फ्लाइट को डिसकनेक्टेड कंटिन्यू रखा है। डेल्टा वेरिएंट पहली बार 2020 के अक्टूबर में हमारे देश में रिपोर्ट किया गया था। अभी फिलहाल में 100 से अधिक देशों में ये वेरिएंट पाया जा रहा है। यहाँ तक के यूके और भी कई देश है जहाँ कोरोना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो स्टूडेंट है वो कहीं भी आ जा सकते हैं अपने पढ़ाई के लिए। भारत सरकार फ्लाइट बैन को लेकर हर देश से मीटिंग कर रहा है कि फ्लाइट को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। सऊदी अरब ने कहा कि वो रेड लिस्ट वाले देशों की यात्रा करने वाले लोगों पर 3 साल का ट्रेवल बैन लगाएगा। सऊदी अरब के लिस्ट में ये सारे देश है। इस लिस्ट में भारत के अलावा अफगानिस्तान, अर्जेंटीना, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, लेबनान, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, वियतनाम और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। दुबई, यूएई ने भी भारतीय फ्लाइट पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। इतिहाद एयरवेज ने कहा कि प्रतिबंध कब तक हटाया जाएगा ये अभी तक तय नहीं हुआ है। इसके बाद है कनाडा ने भारत से सीधे फ्लाइट पर प्रतिबंध लगाया है, जबकि भारतीय किसी तीसरे डिस्टिनेशन से कनाडा जा सकते हैं। फिलीपीन ने शुक्रवार को भारत और 9 अन्य देशों पर यात्रा प्रतिबंधों को बढ़ा दिया क्योंकि वहां लॉकडाउन प्रतिबंधों को भी फिर से लागू कर रहा है, जबकि फ्रांस ने भारत को रेड लिस्ट से हटा दिया है। इन देशों के अलावा भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इटली, कुवैत, न्यूजीलैंड, ओमान, सिंगापुर की यात्रा नहीं कर सकते हैं। फ्रांस ने हाल ही में भारत को रेड लिस्ट से हटा दिया है और फुल्ली वैक्सीनेटेड भारतीय अब फ्रांस की यात्रा कर सकते हैं। जर्मनी ने भारत के लिए यात्रा प्रतिबंधों में भी ढील दी है। यात्रा प्रतिबंध लगाने के कारण ये है, रिपोर्टों में कहा गया है कि मोटे तौर पर भारतीय यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों के पीछे 2 कारण हैं। एक कारण है प्रतिबंध लगाने वाले देश की कोविड-19 स्थिति है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, फिलीपीन ने शुक्रवार को मनीला राजधानी क्षेत्र में लॉकडाउन लगाया है और यात्रा प्रतिबंध का विस्तार उसका हिस्सा है। दूसरा, कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट का फैलना है। चूंकि वेरिएंट का पहली बार भारत में पता चला था, इसलिए कुछ देश भारतीय यात्री को लेकर आशंकित है। यहाँ पे स्टूडेंट के लिए कई देशों ने प्रतिबंध में ढील दे रखी है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने हाल ही में संसद में बताया था कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड ने भारतीय छात्रों को प्रतिबंध में ढील दी है। उन्होंने जानकारी दी थी कि अब तक अमेरिका, यूके, कनाडा, आयरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, लक्जमबर्ग और जॉर्जिया जैसे देशों द्वारा भारतीय छात्रों को यात्रा प्रतिबंध में ढील दी गई है। दोस्तों, वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।